तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हो जैसे कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो आप ऑप्शन में आप किस साइकोलॉजी आप बना के किस ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको पैसे जो है जैसे कि आपके पास 10,000 है समझो, 5,000 या फिर 20,000 है या समझो 50,000 है, तो आपको किस तरीके से आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट आपके मनी को करना है। मनी मैनेजमेंट एक तो बहुत ज़रूरी है, वो एक बात है, वो एक ध्यान रखिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि निफ्टी ऑप्शन में एवरेज करके आप किस तरीके से, अगर आप बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट हो, तो किस तरीके से आप उसमें से ट्रेडिंग आप कर पाओगे और प्रॉफिट भी लोगे, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। जैसे कि मैं अभी बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी की, और समझो बैंक निफ्टी की, तो इसके जो कॉल समझो यहाँ पे कॉल हो या फिर पुट हो, ठीक है, कॉल और पुट दोनों की मैं यहाँ पे अभी बात करूंगा। मैं दिखाने अभी जा रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये कॉल है और ये पुट है, तो आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कि समझो आपको एक कॉल की कोई प्राइस है, अगर समझो कोई भी जैसे कि कॉल हो, जैसे कि 12,200 का एक कॉल है, तो 12,200 का जो कॉल है समझो उसकी जो प्राइस है यहाँ पे चल रही है 30 रुपये। तो अगर आपको इस लेवल पे जैसे कि चार्ट है निफ्टी का, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, जैसे कि ऐसे 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 ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको लगा यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपको लगेगा इस यहाँ पे आप कॉल बाय करोगे इस लेवल पे, अगर आपने कॉल को बाय किया तो क्या होगा, ये थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से ये थोड़ा नीचे आ सकता है इस तरीके से, फिर यहाँ से कुछ बाइंग आई, बायरों की जो ताकत है वो बढ़ी, तो फिर ये यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, तो समझो आपको एक कॉल लेना है 30 रुपये का, और आपको लेने समझो आपको 5 लॉट लेने हैं, कितने लॉट लेने हैं कॉल के, 5 लॉट। तो आपको अगर आपको 5 लॉट लेने हैं, तो सबसे पहले जो ध्यान रखने की जो चीज है ध्यान रखने की, तो सबसे पहले यहीं पे इस लेवल पे आपको सिर्फ पहले यहाँ पे आप 3 ही लॉट लोगे, कितने आपको लगे कि चार्ट ऊपर जाएगा 12,200 से समझो 12,250 हो जाएगा निफ्टी, ठीक है, यहाँ पे बात करें हम 12,200 से समझो 12,250 तक निफ्टी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पहले 3 लॉट ऐड करने हैं इस लेवल पे। फिर क्या करना है, फिर आपने सोचो कि आपको लगा कि ये अभी यहाँ पे चल रहा है 30 रुपये, तो आपने 10 लॉट 5 लॉट में कम करना है, यहाँ पे समझो 30 रुपये में इस लेवल पे ले लिया, तो यहाँ जैसे निफ्टी थोड़ा रिट्रेस तो होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। चार्ट हमेशा दोस्तों समझो कि ये इस तरीके से ऊपर नहीं जाता कभी भी, डायरेक्ट 90 डिग्री बना के कभी ऊपर नहीं जाता, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके ऊपर नीचे जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने समझो 3 लॉट ले लिए, फिर यहाँ पे इस लेवल पे जैसे निफ्टी यहाँ से यू टर्न लेगा, ये जो जोन है, तो यहाँ इसकी जो प्राइस है वो हो जाएगी 22 रुपीज, मेरा एक्सपीरियंस है और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो इस यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो हो जाएगी यहाँ पे 22 रुपीज हो जाएगी कॉल की प्राइस। तो यहाँ पे हो गई है समझो 22 रुपीज, यहाँ पे इस लेवल पे 30 रुपये पे थी, तो 30 रुपये वाली दोस्तों हो गई 22 रुपये। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास अगर समझो 5 लॉट आपको लेने थे, अभी आपने ले लिए समझो इस लेवल पे 3 लॉट, तो अभी आपके पास 2 लॉट बचे, तो सभी पैसा एक ही जगह से एक ही बार में नहीं ले लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस लेवल पे 2 लॉट और आप यहाँ पे आप ऐड करो, तो टोटल आपके लॉट कितने हो गए यहाँ पे 3 और 2, यानी समझो 5 लॉट आपके हो चुके कंप्लीट। जैसे कि आपको ऑलरेडी पहले भी आपने सोचा था कि मैं 5 लॉट में काम करूंगा, प्राइस है 30 रुपये की। तो निफ्टी जैसे यहाँ से मूवमेंट करेगा इस लेवल से,
और ये जैसे यहाँ पे आएगा इस लेवल तक आएगा, जैसे कि मार्केट आपका ग्लोबल मार्केट भी सपोर्टिव हो, सब कुछ सपोर्टिव हो, तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि वो यहाँ पे रिट्रेस करके वो नीचे चला जाए, वो टाइम लेगा लेकिन ऊपर जाएगा, टाइम लेगा लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है अगर आपको पैसे कमाने हैं तो इस मार्केट से। तो इस लेवल पे जाएगा, समझो इसका 35 रुपीज़ हो गया पीरियड, तो आपको ये जो 5 प्लॉट है आपको इसी जोन पे यहाँ पे प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है, यानी एग्जिट कर लेना है यहाँ से। तो आपको 30 और 22 उसके बीच की जो प्राइस है वो आपको एवरेज प्राइस निकल के आ सकते हैं, क्योंकि आपने पहले 3 ले लिए थे इस लेवल पे, फिर आपने 2 ले लिए इस लेवल पे, ठीक है। तो अराउंड समझो 30 और यहाँ पे जो 2 लिए थे 22 रुपीज़ में इस लेवल पे, तो 22 और 30, तो पहले 3 और 2 यानी समझो अराउंड 26 तक आपकी एवरेज प्राइस आ सकती है। मैं परफेक्ट मैंने काउंट नहीं किया है लेकिन 26 आपकी यहाँ पे एवरेज प्राइस आएगी। तो 26 में आपने समझो यहाँ पे 5 लॉट आप होल्ड कर रहे हो और आपको निकलना है 35 रुपीज़ पे। तो और भी आगे मैं आपको इंडिकेटर कौन कौन से मैं आपको इस बोर्ड पे मैं समझाता रहूँगा जब जब मैं टाइम मिलेगा, और आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो। तो जब भी कोई भी ऑप्शन आपको समझो लेना हो तो एक ही बार में सब लॉट में काम नहीं करना है, जैसे कि मेरी वीडियो में भी देखा होगा आपने, एक ही बार काम करोगे तो आप समझो लॉस लेके ही जाओगे, क्योंकि जो भी कॉल और पुट का जो भी बात समझो कॉल या पुट है 30 रुपया उसका प्राइस होगा, तो वो हमेशा 30 रुपया वो नहीं रहेगा, उसकी प्राइस दिखे होगी कैसे होगी मैं वो समझाता हूँ आपको। तो जैसे चार्ट यहाँ पे रिट्रेस करता है, थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो प्राइस दिखे की प्रॉब्लम होगी, उससे क्या होगा कि जितना भी प्राइस है वो ऊपर कम जाता है, कॉल पुट की जो प्राइस है वो नीचे ज़्यादा आती है, या फिर समझो दो तीन रुपये कम होती रहती है जैसे ही आधा घंटा एक घंटा बीतता है। तो इस तरीके से एक ही चीज़ है इसमें, ऑप्शन में काम करना है तो आपको एवरेज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। तो समझे आप, ये अभी मैंने बात की 5 लॉट पे, आगे ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है मैं आपको यहाँ पे मैं वीडियो में समझाता रहूँगा। आज के लिए मेरा जो टॉपिक था निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल पुट में किस तरीके से काम करते हैं, तो इस तरीके से आपको एवरेज करके काम इसमें करोगे। निफ्टी के बजाय अगर बैंक निफ्टी में करोगे तो उसके मूवमेंट कॉल पुट की बहुत ही ज़्यादा है, तो आप अगर हैंडल कर सकते हो तो डेफिनेटली उसमें काम कीजिए बैंक निफ्टी के कॉल पुट में। और आपको पहले जीरो दाम चेक कर लीजिए कौन से जो ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट है वो स्ट्राइक प्राइस है वो अलाउड है, अदरवाइज आपका जो प्राइस है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो जब भी 20,000 रुपये समझो तो पहले आपको 10,000 ही इन्वेस्ट करने हैं, जैसे कि आपके पास है 20,000 रुपये, तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है 10,000 रुपीज़, और आपको यहाँ पे 10,000 इसमें बचे वो आपको होल्ड करना है या फिर बचा के रखना है, क्योंकि अगर आपको समझो इस प्राइस पे एवरेज करना पड़ा तो आपके आगे जाके आपको वो काम आ सकता है। तो दोस्तों आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता रहूँगा, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिए, और वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर सकते हो अगर पसंद आए तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।